हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सोनू और मैं इस वीडियो में बात करूंगा इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे 2.1, 2.2 और 2.3 तक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2.4, जो हम लोग का टॉपिक है ड्राइंग रिक्वायर्ड फॉर रोड प्रोजेक्ट में। जो जो ड्राइंग का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे की मैप, इंडेक्स मैप, प्रिलिमिनरी सर्वे, डिटेल्ड कोलोकेशन सर्वे, प्लान, एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शंस, क्रॉस ड्रेनेज वर्क और लैंड एक्वानाइजेशन ऑफ प्लांट्स। इसी चलते हम लैंड एक्वानाइजेशन ऑफ प्लांट्स को फिक अलाइनमेंट में, जो फैक्टर अफेक्टिंग अलाइनमेंट में लैंड एक्वानाइजेशन भी आता है, लेकिन हम लैंड एक्वानाइजेशन को इसी चलते छोड़ दिए थे कि आगे लैंड एक्वानाइजेशन को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। उसके बाद में जो ड्राइंग रिक्वायर्ड फॉर रोड प्रोजेक्ट में भी इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो हम लोग का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद में पॉइंट आता है फ्रेंड्स, सर्वे फॉर अवेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसी टॉपिक को हम लोग 2.4 में ही नीचे में पढ़ लेंगे आसिम वीडियो में। और उसके बाद में लोकेशन प्लान ऑफ क्वेरीज। आज ये जो टॉपिक है हम लोग का इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट करना है हमसे तो वहाँ पर टेलीग्राम लिंक, FB लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे आगे बात आता है ड्राइंग, जो हम लोग का ड्राइंग वहाँ पे रिक्वायर होता है की मैप के बारे में। तो की मैप के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, लैंड एक्वानाइजेशन हम लोग टॉपिक छोड़ दिए थे, अभी देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लैंड एक्वानाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं कि अवेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे इज नेसेसरी। जो लैंड जो होता है उसका अवेबिलिटी होना कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे के लिए, कि कैसा वहाँ पे लैंड है या किस टाइप में लैंड है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इस टाइप में चेक करते हैं, तो वो हाईवे में नेसेसरी होता है। इफ़ अलाइनमेंट शुड बी सच दैट कंसिडरेबल बिल्ट अप एरिया एंड कल्टिवेटेड लैंड एरिया आर टू बी एक्वायर्ड, इट विल प्रूव टू बी डिफिकल्ट, कॉस्टली एंड टाइमिंग कंज्यूमिंग। देखिए कि जो जो वहाँ पे अलाइनमेंट का हम लोग उपयोग करेंगे, वो सब जो वहाँ पे कंसिडरेबल बिल्टअप एरिया में होना चाहिए, तो वहाँ पे कॉस्ट जो हो, वहाँ पे एक अलग जो वहाँ पे वैल्यूएबल रहना चाहिए, ना ही टाइम कंज्यूमिंग रहना चाहिए। क्या जब हम लोग अलाइनमेंट बनाएं तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। फिर आता है फ्रेंड्स, हम लोग ड्राइंग एंड रिपोर्ट के बारे में देख रहे थे। इस वीडियो में हम लोग को बात करना है ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स इन हाईवे के बारे में। इसको देखने से पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो जो हम लोग ड्राइंग का वहाँ पे उपयोग करेंगे हाईवे प्रोजेक्ट को बनाने में, जैसे सबसे फर्स्ट में जो आता है की मैप। की मैप के बारे में हम लोग देखते हैं कि की मैप क्या होता है। की मैप को हम लोग देखते हैं कि की मैप सबसे आगे क्या होता है। देखिए, इतना सारा पॉइंट है, सबको हम लोग देख लेते हैं शुरू में, उसके बाद की मैप को देखते हैं। की मैप होता है, इंडेक्स मैप होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे, सब सिलेबस के अनुसार रहेगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। डिटेल एंड प्लान, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शंस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यहाँ आ गया, फिर क्रॉस सेक्शन था जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर आ गया आपका, फिर लैंड एक्वानाइजेशन प्लांट्स के बारे में था जी, यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स एक ड्राइंग ऑफ क्रॉस ड्रेनेज एंड अदर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जो ये टॉपिक में हम लोग देखेंगे। फिर ड्राइंग ऑफ रोड इंटरसेक्शंस के बारे में देखेंगे। फिर लैंड प्लांट शोइंग क्वेरीज, क्वेरीज के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट था हम लोग का टॉपिक का, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आता है की मैप। की मैप क्या होता है, की मैप को देखते हैं हम लोग। की मैप के बारे में कि इट शुड शो द प्रपोज्ड एंड एक्साइस्टिंग रोड एंड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस टू बी कनेक्टेड। द साइज ऑफ द प्लान इन जनरल शुड नॉट एक्सीड, जो वहाँ पे प्लान हो वो 22 to 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द स्केल ऑफ मैप इज चूजन सुटेबली अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रोड पर हाईवे, और हाईवे भी बोल सकते हैं, रोड और स्लैश हाईवे है। तो देखिए, की मैप क्या होता है, ये एक ऐसा मैप होता है जिसमें हम लोग वहाँ पे जो जो लैंड है, लैंड के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट प्लेस वहाँ पे आसपास में है, उसको वहाँ पे हम लोग की मैप में दर्ज करते हैं, की मैप में वहाँ पे बनाते हैं। तो वहाँ पे जो साइज प्लान होना चाहिए की मैप का, 22 x 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जो स्केल वहाँ पे हम लोग उपयोग करें, वो एक सूटेबल स्केल उपयोग करें, ताकि वहाँ पे जितना भी जो हम वहाँ पे आसपास में जो जो प्लेसेज है, जैसे या जो जो पॉइंट्स है, तो ये सब के बारे में वहाँ पे ठीक से वहाँ पे डिस्क्राइब हो सके। फिर आता है फ्रेंड्स इंडेक्स मैप। इंडेक्स मैप क्या होता है,
हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स मैप ये एक ऐसा मैप होता है फ्रेंड्स कि जिसमें हम लोग बात करेंगे कि शुड शो द जनरल टोपोग्राफी ऑफ एरिया साइट डिटेल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल इंडेक्स मैप शुड ऑल्सो बी ऑफ सुटेबल साइज बींग 32 to 30 centimeter. देखिए इंडेक्स मैप क्या होता है, ये एक ऐसा मैप होता है जिसमें हम लोग टोपोग्राफी के बारे में जानते हैं कि एरिया और साइड में जो जो टोपोग्राफी यूज हो रहा है वो किस टाइप का है. उसमें डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि सिंबल्स के जरिए डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि जो वहाँ पे टोपोग्राफी है वो क्या क्या वहाँ पे पॉइंट्स में है. फिर इंडेक्स मैप क्या होना चाहिए, एक सुटेबल स्केल का होना चाहिए और इसका जो साइज होना चाहिए फ्रेंड्स 32 to 20 centimeter तक इसका साइज होना चाहिए. फिर आता है फ्रेंड्स बात प्रीलिमिनरी सर्वे. प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है कि इट इज प्रीलिमिनरी सर्वे आर प्लान शोइंग डिटेल्स ऑफ वेरियस अल्टरनेट अलाइनमेंट एंड ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड शुड बी ड्रॉन टू सुटेबल स्केल ऑफ 10 centimeter टू इज इक्वल टू 1 kilometer और 25 centimeter इज इक्वल टू 1 kilometer. ये जो प्रिलिमिनरी सर्वे होता है इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें डिटेल्स के बारे में देखते हैं कि अलाइनमेंट और जितना भी वहाँ पे आसपास में जो वहाँ पे प्लेसेस है उसके बारे में, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है और क्या क्या अवेबिलिटी है इस सब के बारे में प्रिलिमिनरी सर्वे में हम लोग देखते हैं. तो प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान्स में हम लोग बात करेंगे उसके अलाइनमेंट और इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पे क्या क्या अवेबिलिटी है या क्या क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो सब को ड्रान करते हैं हम लोग एक सुटेबल स्केल के जरिए. वो स्केल चाहे तो 10 centimeter इक्वल टू 1 kilometer का आप ले लीजिए या 25 जो वहाँ पे लेंगे 25 centimeter इज इक्वल टू 1 kilometer के हिसाब से. तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे बात आता है फ्रेंड्स अब डिटेल्ड प्लान क्या होता है. डिटेल्ड प्लान को हम लोग देखते हैं. डिटेल्ड प्लान शोइंग द ग्राउंड, ये शो करता है ग्राउंड प्लान को विथ अलाइनमेंट एंड बाउंड्रीज कंटूर्स एंड ऑफ 1 to 2 meters इन प्लेन एंड प्लेन ट्रेन एंड 3 to 6 meters इन हिली ट्रेन. अब देखिए ये एक जो यहाँ पे डिटेल प्लान होता है ये प्लान को शो करता है कि अलाइनमेंट और बाउंड्रीज के हिसाब से कि अलाइनमेंट कहाँ पे देंगे, बाउंड्रीज क्या क्या है, कंटूर्स जिसका हम लोग कंटूर इंटरवल लेते हैं 1 to 2 meter प्लेन इन ट्रेन में और 3 to 6 meter लेते हैं हम लोग हिली ट्रेन में. सो फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को पता चला कि प्लेन ट्रेन में जो कंट्रोल लेवल कितना हम लोग लेंगे 1 to 2 meter और जो हिली ट्रेन जो हमारा होगा उसमें 3 to 6 meter लेंगे. शोइंग ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग एक्साइटिंग स्ट्रक्चर स्केल ऑफ 1 by 2400 और 1 by 1200. ये दो टाइप का हम लोग स्केल का उपयोग करते हैं. तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग का स्केल के बारे में देखें कि स्केल कितना होता है 1 by 2400 एंड 1 by 1200. सुटेबल फॉर डिटेल प्लान साइज ऑफ ड्राइंग मे बी 8 to 2 or 60 into 42. जो वहाँ पे साइज होगा फ्रेंड्स वो 8 हो चाहे 60 into 40 का हो, ड्राइंग प्लान जो वहाँ पे पेपर का हम लोग उपयोग करेंगे उसका साइज के बारे में बात हो रहा है इतना सेंटीमीटर. अब देखिए फ्रेंड्स आता है बात लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आखिर क्या होता है, क्या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का हम लोग इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ही हमारा डिटेल प्लान का ही पार्ट है. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शुड बी ड्रॉन टू द सेम हॉरिजेंटल ऑफ द ग्राउंड एज डिटेल प्लान. जो जो डिटेल प्लान के जरिए हम लोग को हॉरिजेंटल पे उसी स्केल में उसको बनाना पड़ता है. वर्टिकल स्केल में भी इन लाइ 10 times ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्केल. लॉन्गिट्यूडनल स्केल क्या होता है कि एक ये इसको हम लोग शुड बी ड्रॉन टू द सेम हॉरिजेंटल स्केल. ये हॉरिजेंटल स्केल के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम लोग ड्रा करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे वर्टिकल जो स्केल बनेगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्केल के 10 times भी हम लोग बना सकते हैं. द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शुड शो डिटेल्स सच ए डेटम लाइन एक्साइटिंग ग्राउंड सरफेस एंड वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द प्रपोज्ड रोड एंड पोजिशन ऑफ द ड्रेनेज क्रॉसिंग. देखिए जो वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे इसको देखते हैं. सबसे फर्स्ट में ड्रेनेज जो वहाँ पे होगा, ड्रेनेज जो क्रॉसिंग जो अब आएगा रोडवे में उसको हम लोग दिखाएंगे कि ड्रेनेज क्रॉसिंग कहाँ कहाँ है. फिर आता है प्रपोज्ड रोड, जो वहाँ पे रोड का क्रॉसिंग अगर आएगा तो उसके बारे में. वर्टिकल
प्रोफाइल ऑफ प्रपोज्ड रोड, जो जो वर्टिकल प्रोफाइल होगा उसके बारे में वहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर आता है फ्रेंड्स डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन। अब डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन के बारे में हम लोग देख रहे थे कि ये क्या होता है। ये जनरली हम लोग बनाते हैं डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन को, हम लोग देखते हैं कि डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन आर जनरली ड्रॉन टू नेचुरल स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.0 to 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से हम लोग नेचुरल स्केल में ही डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन के बारे में देखेंगे। क्रॉस सेक्शन शुड बी ड्रॉन एवरी 100 मीटर्स और वेयर देयर आर एब्रप्ट चार्जेज इन लेवल्स। देखिए जो क्रॉस सेक्शन हम लोग बनाएंगे डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन वो हर एक 100 मीटर के बाद में बनाएंगे। और क्या कि हम लोग और भी कैसे कहीं एब्रप्ट चेंजेज, अगर कुछ चेंजेज आता है लेवल में तो वहाँ पे हम लोग डिटेल क्रॉस सेक्शन का वहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए इन हिल रोड्स द क्रॉस सेक्शन शुड बी ड्रॉन एट ए क्लोजर इंटरवल। जो हिल रोड्स होगा वहाँ पे डिटेल क्रॉस सेक्शन हम लोग क्लोजर इंटरवल मतलब पास पास में ही बनाएंगे। द क्रॉस सेक्शन ड्राइंग शुड एक्सटेंडेड एट लीस्ट अप टू द प्रपोज्ड राइट ऑफ द वे। देखिए जो क्रॉस सेक्शन ऑफ ड्राइंग जो होगा वह हर एक में क्या होगा कि कितना राइट ऑफ वे में क्रॉस सेक्शन को हम लोग दे रहे हैं कि कैसे कौन कौन रास्ता पे अलग अलग टाइप में जो हम लोग का अलग अलग जो वहाँ पब्लिकेटरी पॉइंट्स आएगा उसके बारे में डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन में चर्चा करेंगे। द क्रॉस सेक्शन नंबर द रिड्यूस्ड डिस्टेंस एंड द एरिया ऑफ फिलिंग और कटिंग और बोथ शुड बी शोन ऑन क्रॉस सेक्शन ड्राइंग। जो क्रॉस सेक्शन नंबर जो होगा और क्या कि कितना क्रॉस सेक्शन नंबर आया कि कितना कितना क्रॉस सेक्शन हम लोग बनाए हैं उसको नंबर को दिखा देंगे। फिर द रिड्यूस डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस कम आ, फिर एरिया ऑफ फिलिंग और कटिंग कितना हम लोग एरिया को फिल किए हैं या कितना एरिया को कट किए हैं। बोलने का मतलब क्या है कि अगर रोड के लिए हम लोग जो रोडवे के देख रहे हैं तो रोडवे में क्या होगा, ये तो नहीं ना होगा कि प्लेन एरिया पर हम लोग रोड बनाएंगे। ऐसा भी एरिया हो सकता है कि जहाँ पर वर्टिकल ज़्यादा हो जाए हॉरिजॉन्टल कम जाए थोड़ा। तो इस टाइप में क्या होगा हम लोग वहाँ पे कहीं पे कटिंग करेंगे कहीं पे फिलिंग करेंगे। तो इस टाइप को भी हम लोग क्रॉस सेक्शन में दिखाते हैं डिटेल क्रॉस सेक्शन में दिखाते हैं। फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ ड्राइंग के बारे में इतना तक चर्चा हो गया फ्रेंड्स। फिर आता है फ्रेंड्स लैंड एक्वानाइजेशन प्लान, जो हम लोग का लास्ट पॉइंट था आयन स्कीम के बारे में इसको देखते हैं। लैंड एक्वानाइजेशन प्लान एंड शेड्यूल के भी नाम से इसको जानते हैं कि उसी को शेड्यूल्स भी बोलते हैं कभी कभी। लैंड एक्वानाइजेशन प्लान एंड शेड्यूल्स में हम लोग इसको बात करेंगे। आर प्रिपेयर्ड यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सर्वे ड्राइंग्स फॉर लैंड एक्वानाइजेशन डिटेल्स। जो लैंड एक्वानाइजेशन डिटेल्स के बारे में हम लोग सर्वे प्लान्स के जरिए लैंड एक्वानाइजेशन प्लान में बात करेंगे। तो लैंड एक्वानाइजेशन जो डिटेल होता है उसी को हम लोग इस पर ड्रा करते हैं। दिस प्लान शो ऑल जनरल डिटेल्स सच एज बिल्डिंग बेल्स नेचर ऑफ ग्रेडियंट्स एंड द अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग द वैल्यू। जितना भी जो वहाँ पे नेचुरल जो जैसे कि अलग अलग टाइप में जो वहाँ पे बिल्डिंग अगर बन रहा है तो जैसे बेल्स भी हो सकता है, फिर नेचुरल ग्रेडियंट अदर अदर टाइप में पेड़ पौधा हो सकता है और अदर अगर डिटेल कुछ कुछ ज़रूरत पड़े तो सबको हम लोग उस लैंड एक्वानाइजेशन प्लान में हम लोग यूज करते हैं। इसका जो स्केल होता है फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर to 40 मीटर का होता है और इससे कम भी ले सकते हैं लेकिन इतना अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है। फिर आता है फ्रेंड्स डिटेल डिजाइन फॉर क्रॉस ड्रेनेज। क्रॉस ड्रेनेज के लिए डिटेल डिजाइन एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर के लिए, तो वही हो गया डिटेल डिजाइन फॉर क्रॉस ड्रेनेज। तो सब सिलेबस के अनुसार ही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे आर यूजुअली ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर to 1 मीटर। जो वहाँ पे स्केल हम लोग उपयोग करेंगे इस डिटेल्ड डिजाइन में 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर का उपयोग करेंगे। फॉर डिटेल्स ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इन लार्ज अप टू 8 सेंटीमीटर = 1 मीटर। अगर कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है मतलब छोटा छोटा अगर सेक्शन है तो उसको दिखाने के लिए 8 सेंटीमीटर = 1 मीटर या इन लार्ज स्केल का हम लोग उपयोग करेंगे ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड जो वहाँ पे पोर्शन है या पोजीशन है उसको हम लोग ठीक से देख सकें। फिर देखिए और अप टू हाफ फुल साइज में भी एम्प्लॉयड। देखिए या क्या हाफ फुल साइज भी हम लोग ले सकते हैं कि हाफ टू हाफ अगर लेके चलें या फुल टू फुल लेके चलें, जितना है जितना ही बनाएं। तो इस टाइम में हम लोग उसका उपयोग करेंगे। हाउएवर द साइज ऑफ ड्राइंग शुड नॉट बी एक्सीड
द स्टैंडर्ड साइज, जो साइज ऑफ ड्राइंग जो होगा वह स्टैंडर्ड साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम शुड बी टू अ स्केल नॉट लेस देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। जो क्रॉस सेक्शन हम लोग बनाएंगे वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर से कम में नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा बना सकते हैं। ड्राइंग ऑफ रोड इंटरसेक्शन शुड बी प्रिपेयर्ड शोइंग ऑल डिटेल्स ऑफ पेवमेंट, सोल्जर्स, आइलैंड्स ETC। जितना भी वहाँ पर ड्राइंग ऑफ रोड इंटरसेक्शन में जो हम लोग बात करेंगे तो उसमें पेमेंट, सोल्जर और आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे। सोल्जर क्या होता है फ्रेंड्स, सोल्जर के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग सोल्जर जैसे हम बात करते हैं, देखिए जैसे ये एक रोडवे है, ठीक है, ये एक रोडवे है, इसमें मान के चलिए ये एक अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब इसके बाद में रोडवे है, तो रोडवे के बाद में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है जिसपे क्या होता है कि अदर टाइप का जो व्हीकल्स और जो वहाँ पे बोल सकते हैं आप कि आदमी वगैरह के चलने के लिए पेडेस्ट्रियन बनाया जाता है। तो दोनों साइड में जो पेडेस्ट्रियन होता है फ्रेंड्स, दोनों साइड में जो पेडेस्ट्रियन बनाया जाता है उसी को बारे में यहाँ पे चर्चा होता है, उसी को हम लोग सोल्जर्स के बारे में देखते हैं कि ये सोल्जर्स है और फिर ये सोल्जर्स है। तो ये आप लोग सोल्जर समझ गए होंगे क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सोल्जर के बारे में, सोल्जर्स को हम लोग वहाँ पे बनाते हैं कि सोल्जर्स कहाँ पे है, और आइलैंड्स के बारे में वहाँ पर प्रॉपर स्केल में बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिटेल्ड डिजाइन फॉर क्रॉस ड्रेनेज और मैसोनरी स्ट्रक्चर। अब देखिए फ्रेंड, लैंड एक्वानाइजेशन क्वेरीज, लैंड एक्वानाइजेशन क्वेरीज हमारा लास्ट पॉइंट आता है, इसमें हम लोग देखिए बात करेंगे लैंड एक्वानाइजेशन क्या होता है। सबसे फर्स्ट में लैंड प्लांट्स ऑफ फॉर क्वेरीज है, सॉरी लैंड प्लांट्स फॉर क्वेरीज है, बात एक्वानाइजेशन नहीं है, लैंड प्लांट्स फॉर क्वेरीज। क्वेरीज मतलब क्या कि वियर क्वेरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर टू बी एक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट, सेपरेट लैंड प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड। अगर सेपरेट लैंड प्लान में अगर दूसरा टाइम में क्वेरीज वहाँ पे है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, तो वहाँ पे हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं। द साइज ऑफ दीज मैप्स एंड स्केल्स में भी सिमिलर टू दोज प्रिपेयर्ड अंडर लैंड एक्वानाइजेशन, जो लैंड एक्वानाइजेशन में हम लोग जो साइज लिए थे उसी साइज सिमिलर हम लोग लैंड प्लान्स फॉर क्वेरीज में ले सकते हैं। जैसे लैंड एक्वानाइजेशन में देखिए जो स्केल हम लोग लिए थे 1 सेंटीमीटर टू इज इक्वल टू 40 मीटर का लिए थे, यही ना था स्केल, देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर और लेस, तो इसी टाइम में लैंड ऑफ क्वेरीज में हम लोग लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए सब पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया, सिलेबस को हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए इस जो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में क्या क्या बारे में देखें, सबसे आगे देखें कि ड्राइंग रिक्वायर्स फॉर रोड प्रोजेक्ट में देखें कि की मैप क्या होता है, इंडेक्स मैप क्या होता है, प्रीलिमिनरी सर्वे के देख लिए, फिर आता है डिटेल लोकेशन के बारे में देखें, फिर आता है क्रॉस सेक्शंस के बारे में देखें, क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में देखें, वहाँ देखें डिटेल्ड क्रॉस ड्रेनेज के बारे में, फिर सर्वे फॉर अवेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देख लें कि कितना अवेबिलिटी है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का उसके बारे में देखें, फिर लोकेशन प्लान ऑफ क्वेरीज, क्वेरीज के बारे में सबसे लास्ट पॉइंट में देखें, फिर क्रॉस सेक्शंस ऑफ क्रॉस ड्रेनेज के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लैंड एक्वानाइजेशन के भी बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो टोटल हम लोग का ये जो यूनिट है यूनिट टू जो हम लोग का कंप्लीट यहाँ तक हो गया, यूनिट टू जो हम लोग का देखिए ये 4 मार्क्स का है कंप्लीट हो चुका है। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहाँ तक ही, अगर इस वीडियो में आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को डिप्लोमा विद सोनू को। अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया फ्रेंड्स तो हम लोग से डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए टेलीग्राम पे। सो फ्रेंड्स थैंक यू ऑल, इस वीडियो के यहाँ तक ही हम लोग एंड करते हैं।